हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विंडोज 10 की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है शेयर करने वाला हूं, जिसे जानने के बाद जो है आप अपने विंडोज कंप्यूटर को और भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में कहने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टर बॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रिक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको ये ट्रिक जान के कि अगर आपके कंप्यूटर से कोई डेटा चोरी करके ले जाता है, सपोज कीजिए आपके कंप्यूटर में कोई प्राइवेट फोटोज हैं, वीडियोज हैं या कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते और आपके पीठ पीछे कोई इंसान आगे उस डेटा को चोरी करके ले जाता है पेन ड्राइव में, ठीक है, तब वो जो डेटा है उसके लिए बेकार हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में तो आपका वो डेटा चलेगा लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो डेटा जो है बेकार हो जाएगा, वो अपने कंप्यूटर में उस डेटा को शो ही नहीं कर पाएगा कि वो डेटा क्या है। तो कैसे आपको अपने इस डेटा को इनक्रिप्ट करना है, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास एक डेटा नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर फोटोज और कुछ वीडियोस हैं। आपके केस में ये डेटा कुछ और भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि ये डेटा जो है इंक्रिप्टेड हो जाए, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। सबसे पहले एडवांस टैब पे क्लिक करना है, इंक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा पे आपको ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सारे के सारे फाइल्स में ये जो डेटा है इंक्रिप्शन का वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद आपको अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है और आप अब इस फोल्डर को देखिए, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सारी इनक्रिप्टेड हैं। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये फाइल्स जो है आपके कंप्यूटर में तो ओपन होगी, लेकिन अगर कोई इंसान इस डेटा को चोरी करके अपने कंप्यूटर में अगर ओपन करना चाहे तो वहाँ पे जो है फ्रेंड्स, ये डेटा जो है ओपन ही नहीं होगा। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड ट्रिक की साइड चलते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टाइम में कोई भी वीडियो एडिट करनी है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ फोटोज है उसको आप एक शॉर्ट क्लिप में जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी आप विंडोज 10 के अंदर कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फोटोज वगैरह पड़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटोज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट अ न्यू वीडियो, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है आपके सामने वीडियो एडिटर जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट नेम देना है। जैसे कि आप सब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, तो नेम योर वीडियो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी नाम आप डालना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, ओके कर दीजिए और आपके सामने जो है देखिए फोटोज वगैरह आ जाएंगी। फोटोज को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और प्लेस कर देना है अपने स्टोरी बोर्ड में। अब यहाँ पे जो है आप इफेक्ट वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्स्ट इफेक्ट पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फोटो पे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखता हूँ म्यूजिक, तो यहाँ पे मैंने लिखा म्यूजिक और यहाँ पे जो है आप टेक्स्ट स्टाइल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे टेक्स्ट स्टाइल जो है आपको प्रीडिफाइंड इसमें देखने को मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से इसका लेआउट भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से लेआउट सिलेक्ट करिए और डन कर दीजिए। और इतना ही नहीं, आप जो है इस फोटोज के अंदर मोशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं पहले से बहुत सारे मोशन दिए हुए हैं, आप किसी भी मोशन को ऐड कर सकते हैं। 3D इफेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक 3D इफेक्ट देते हैं बैट का। तो चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं बैट को और यहाँ से हम इसको जो है प्ले करके देखते हैं कि कैसा हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, इसको कर देता हूँ मैं डन। अब चलिए यहाँ पे जो है हम फिल्टर भी अप्लाई कर देते हैं, हमें बहुत सारे प्रीसेट्स के अंदर फिल्टर के जो है देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो सा आपको वीडियो के हिसाब से अच्छा लगे वो वाला फिल्टर आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ से देखिए हम एक नया कार्ड एंटर करते हैं, इसके अंदर एक नया कार्ड को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो है टेक्स्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे लेआउट सिलेक्ट कीजिए, डन कीजिए। आप यहाँ पे वीडियो का प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्ले करके। और इतना ही नहीं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा सकते हैं यहाँ पे, और कुछ म्यूजिक तो इसके अंदर पहले से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से कोई म्यूजिक लगाना तो उसके लिए आपको कस्टम ऑडियो का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अपने हिसाब से कोई भी ऑडियो फाइल जो है आप सेलेक्ट करके डन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगता है इसका प्रीव्यू, तो यहाँ से फिनिश वीडियो को सेलेक्ट करके आप जो है इस वीडियो को रेंडर करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। बस आपको फाइल का नाम देना है और इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके से जो है आपके सामने जो है वीडियो जो है फाइल तैयार हो जाएगी। उससे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि इस एडिटर का यूज़ करने के बाद आपकी वीडियो का साइज जो है एक लिमिटेड रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। ये बात मेरे को सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी लगी। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं तीसरी ट्रिक की साइड। तीसरी ट्रिक भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है आप सभी के लिए। अगर आप सभी नोटपैड का यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि आप सभी इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल,
जिसका नेम है डेटा डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और इसके अंदर सिंपल सा कुछ भी एक रैंडम सा डेटा जो है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को लॉग शो नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल का लॉग मेरे को शो हो तो डॉट एल ओ जी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सेव कर दूंगा। अब मैं इसे बंद करके दोबारा से ओपन करता हूँ इस फाइल को, देखिए यहाँ पे मेरे को इसका टाइम लॉग और डेट लॉग जो है यहाँ पे शो हो गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा और लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स करके लिख देता हूँ, और जो है इसको मैं इस फाइल को क्या करना है, मैं दोबारा से सेव करके अब इसको जो है दोबारा से ओपन करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे को सेकंड लॉग टाइम जो है डेट और टाइम जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चाहते हैं कि आपकी नोट पैड फाइल के अंदर आपको जो है सभी के सभी टाइम लॉग्स और डेट लॉग्स जो है शो हो जाए, तो आप सभी इस ट्रिक का यूज़ जो है कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप फोर्थ नंबर की ट्रिक जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है उन लोगों के लिए जो लोग अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स को हाइड करना चाहते हैं, यानी जो माई कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं आप चाहे तो सभी को हाइड कर सकते हैं, अगर चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर ड्राइव्स को भी हाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं अपने माई कंप्यूटर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मेरे पास मेरी ड्राइव्स जो है शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि सभी की सभी ड्राइव्स जो है मेरी यहाँ से हाइड हो जाए, ताकि कोई इस कंप्यूटर में एक्सेस ना कर पाए। तो कैसे करना है, तो सिंपली आपको रन पे जाना है और रन पे क्लिक करने के बाद जैसे आपका रन ओपन हो जाए, इसका शॉर्टकट है विन प्लस आर, ठीक है, और यहाँ पे आपको कमांड को टाइप करना है gpedit.msc। इस कमांड को जो है यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आप फ्रेंड्स इस कमांड को एंटर करेंगे तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर जो है आपके कंप्यूटर का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसके अंदर जाने के बाद आपको जाना है विंडोज़ कंपोनेंट में। विंडोज़ कंपोनेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फाइल एक्सप्लोरर को फाइंड करना है। फाइल एक्सप्लोरर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉलिसी दिखेगी। यहाँ पे पॉलिसी में आपको सर्च करना होगा हाइड दिस स्पेसिफिक ड्राइव्स ऑन माय कंप्यूटर, ऐसे करके आपको शो होगी। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये पॉलिसी जो है यहाँ पे मिल चुकी है, हाइड दिस स्पेसिफिक ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। आपको इस पे जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख जाएगा कि पॉलिसी क्या काम करती है। राइट क्लिक करना है और आपको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे कोई कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपने क्यों किया था, और यहाँ पे देखिए आपको ड्राइव्स के ऑप्शन जो है यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैं अपने केस में चाहता हूँ कि मेरी सभी ड्राइव्स जो है हाइड हो जाए, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब इसके बाद जो है मैं अपने माई कंप्यूटर पे जो हूँ क्लिक करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका स्टेट दिखा देता हूँ कि ये इनेबल हो चुका है, तो इसलिए स्टेट में इनेबल आ गया है। तो चलिए अपने माई कंप्यूटर में जाता हूँ और देखिए यहाँ से सभी के सभी ड्राइव्स जो है हाइड हो गई है, और मैंने आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दिया है। अगर आप सभी को अगर ये सभी ड्राइव्स को वापस लाना है वो भी ला सकते हैं। आपको सिंपली जो है इस पॉलिसी को दोबारा से एडिट करना है, तो उससे पहले दिखा दूँ आप यहाँ पे सभी ड्राइव्स नहीं किसी भी ड्राइव को भी हाइड कर सकते हैं, आपके पास सभी ऑप्शन है। तो चलिए बैक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉट कॉन्फ़िगर कर देना है, अप्लाई कर देना है और ओके को प्रेस कर देना है। तो देखिए अब जो है हम माई कंप्यूटर में आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए सभी के सभी ड्राइव्स जो है हमारे पास कंप्यूटर में वापस आ जाएगी। तो इस टेक्निक का यूज़ जो है फ्रेंड्स आप अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव्स को हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को ट्रिक जो है ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं पांचवी ट्रिक की साइड। पांचवी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की डेट में हमें इस ट्रिक का यूज़ करना ही पड़ेगा, इसलिए इस ट्रिक को आप ध्यान से देख लीजिए, आपके विंडोज 10 में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस ट्रिक की। फ्रेंड्स होता क्या है, जनरली हम कुछ भी अगर ब्राउज़र में सर्च करते हैं, ठीक है, ब्राउजिंग में किसी भी वेबसाइट को हमने ओपन किया, वहाँ पे जो भी सर्च किया, तो उसकी सभी हिस्ट्री जो है हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाती है। जनरली लोग उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर लेते हैं, फिर दोबारा सर्च करते हैं, वो सेव हो जाती है उसके अंदर, फिर दोबारा क्लियर करते हैं। जो थोड़े टेक्निकल नॉलेज रखते हैं वो लोग इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास इनकॉग्निटो मोड से भी ज़्यादा एक एडवांस ऑप्शन विंडोज़ के अंदर दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप क्या कहेंगे, बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑप्शन इनकॉग्निटो मोड से बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि अगर इस ऑप्शन के अंदर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो फ्रेंड्स एक अलग ही एनवायरनमेंट में आप जो है कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ट्रेसेस जो है किसी भी वेबसाइट से कुछ भी नहीं आने वाला। जैसे आप इस एप्लीकेशन को बंद करेंगे तुरंत ही जो है सब डेटा जो है क्लियर हो जाता है, बहुत ट्रस्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली विंडोज़ के आपको स्टोर में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है विंडोज़ डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड। इस एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपको इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इसको इनेबल भी करना पड़ेगा। तो इनेबल कैसे करना है, तो इनेबल करने के लिए आपको माय कंप्यूटर पे क्लिक करना है, और माय कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा कंप्यूटर का, और यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम पे क्लिक करना है।
इसके बाद आप सेटिंग्स में आ जाएंगे, सेटिंग्स में आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आप कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपकी सभी एप्लीकेशन जो जो इंस्टॉल है उसका डेटा शो होगा। जैसे कि आप सभी बगल में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद जो है आपको सर्च करना है इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स। देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना होगा विंडोज डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड को, इसको आपको क्या करना है चेक कर देना है और ओके कर देना है। इसके बाद ये अपनी फाइल्स जो है जो भी इसकी सर्चिंग रिक्वायर्ड फाइल्स हैं जरूरी नेसेसरी वो सभी को सर्च करेगा और ये जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है और इस ऐप के अंदर आप जो भी डेटा आप सर्च करेंगे, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाकर सर्व करेंगे फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में कोई भी ट्रेसेस नहीं रहेंगे, बहुत ट्रस्टेड है और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल है। इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप सभी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो, ऐसे केस में एक आपको सेफ एनवायरनमेंट की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में आप सभी इस टेक्निक का यूज़ जो है कर सकते हैं। ये जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर भी आपको इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सर्विस को इनेबल कर लेंगे तो आप डायरेक्टली वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। इन सभी ट्रिक्स में से आप सभी को कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।